सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5:21 और मैं अभी जीजू को बस स्टैंड छोड़ गया हूँ क्योंकि उन्होंने जाना है सोनी बताई थी। सो या काम तो करना है ना यार, कैमरा बेचारा फोकस ही नहीं कर पाया। क्या है आंटी, इनके सामने से गंदे वाला पास धोना भाई, इतने टोंट मार दे रहा है यार। मैं वेट नहीं करूँगा, या बस दो बारी चेक करूँगा कि वीडियो एडिट सही हो रही है नहीं हो रही। आप कहोगे साले विंड ब्लास्ट तो तू दे रहा है ऐसे गंदे वाले, टींडा तेरी वो समझ में आएगी भाई? आएगी समझ, क्यों नहीं आएगी? मैं वीडियो बना रहा हूँ तो समझ आने की। और मैं माउंटी मुंटी कुछ नहीं लेके आया क्योंकि मैं दो तीन दिनों के लिए आया हूँ यहाँ पे सिर्फ अभी। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ दीदी के साथ पार्क में। दीदी का ये सैर निकलने, मैंने कहा थोड़ी बहुत ड्राइंग करके आएंगे और उस पार्क की गेट की खास बात बताता हूँ आपको, फिर देखा। इतने हार्ड तरीके से इस गेट को पुश करना पड़ता है ना कि खुल जाए अच्छे से। और इस पार्क की शेप भी बहुत अच्छी है, अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है। अब ये राइट साइड में तुमको अच्छा पार्क मिल जाएगा। हम क्या बताएं, ये सूरज की रोशनी भाई क्या अच्छी हो रही, क्लैरिटी आ रही है ना। ठीक है, और को दिखाओ, ओके क्या डिज़ाइन आ रहा है। ये आंटी लोग भी हर बात सुनने में मज़ा आता है। एक तो इनकी लैंग्वेज पूरी हरियाणवी है, ऊपर से जो वर्ड बोलते हैं कुछ तो सर के ऊपर से जाते हैं और खुद की बातें नहीं किसी और की बातें करते हैं। दैट्स अ मेन प्रॉब्लम इन इंडिया। वीडियो क्वालिटी सही आ रही है, मैंने वाइड एंगल कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का ना, 16 मेगापिक्सल, इट्स इनफ फॉर वीडियोस, बट व्लॉगिंग नहीं कर सकता यार इससे। वापस घर जाते हैं, सोच लो क्या हैवी आइटम है, कोई गाँव मरता। तो यहाँ पे अपनी दीदी जी एक्टिव चला रहे हैं काफ़ी सालों बाद, भगवान रक्षा करे मारी कहीं ठोक ठोक ना दे। ओह, स्टार्ट करनी आती है। ए, ज़्यादा मत फेंक, 10 साल चलाइए भाई, हो गया 10 साल। 10 साल कैसे? 8 साल हो गया। तेरी माँ का 6 साल पहले तो एक्टिव वाली थी हमने, सेकंड हैंड वाली लगा ले। चल कितने कितने की? 1000 की। मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, सुन लिया। सामने बैठे रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुनाने टाइम की दुकान ने। हिस्टोरिक एरिया, हिस्टोरिक एरिया ना ये। ओ भाई ये देखो बंजर बंजर बिल्डिंग। अरे वहाँ से रूम का इंडिया लेना था ना मामे ने, देखा हेलमेट नहीं डाल करती, मामों से बचना होता था ऐसा कुछ नहीं। ओके, ये शॉपिंग अपनी कंप्लीट होते हुए मैं ले लूँ, बड़ी गंदी है पैसे भी देती हूँ ना। हम हमने लिए हैं गुलाब के फूल, वो भी इस फूल के लिए जो एक्टिवा चला रही है ना। नो योर फूल, FOOL वाला फूल। yeah! पहले गुलाब को अच्छी तरह रगड़ो ताकि मैल मूल निकले, इससे रगड़ के और साफ कर दो। क्या बात है प्रिया, पूरे पैर को चमका देंगे ना, कैसी बहन है भाई का, पैडी की और नहीं कर सकती। कितने हैवी वर्ड्स होते हैं यार, आज तो फाइट होगी, आज तो दंगल होगा। चल प्रिया देखने चलते हैं, देखा आगे मामे है, हेलमेट नहीं डालना, मामों का डर है। प्रिया तेज भगा ले, रोक ही ना पाए, फोक दियो आप गया जो है। अरे वाह प्रिया, सुदेश मैडम वाले स्कूटर है ना, बस कलर दूसरा है। वाह भाई, चंडीगढ़ से लेके आए यहाँ तक। प्रिया आज एक चीज पता चल गई, जैसे बंदर गुलाटी मारना नहीं भूलता वैसे तो एक्टिव चलानी नहीं भूल सकती। क्या फायदा ऐसे चैनल का जिसमें सिर्फ तुम ये बोलते हो, शट अप। ये तो कॉमन वर्ड हो गया आजकल तो, हर किसी के मुंह से ये निकलता है, शट अप। वो घिसने वाला, हाँ।
गिर गया, बीमार गिर गया। देख ये पता नहीं क्या चीज है। अम्बाला की एक खास बात है, यहाँ पे खाने पीने की आइटमें की कमी नहीं है, है ना प्रिया, है ना, तभी तो ये मोटी हो गई है। देखा मुंह से बात निकलवाए लेता हूँ मैं कैसे ना कैसे, इसमें बड़ा खाने के शौकीन होते हैं। अभी ठोक देती तू, थोड़ा गिर जाती तो क्या जाता। यहाँ पे सामान ले लिया, चीजी मैगी, मैगी पास्ता, आइसक्रीम प्लस ड्रिंक, और रात के लिए बतेरा हो जाएगा काम। वही ना, कुछ सपोर्ट भी चाहिए होता है, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिल गया तो भी स्टार्टिंग तो नॉर्मल सी होगी, बट होपफुली इन फ्यूचर तक कोई बढ़िया सा कंटेंट ढूंढ के ना, ढूंढ गया मैंने सोच रखा, बस उसके लिए सपोर्ट किए ना पेरेंट्स का, जैसे वो सपोर्ट मिल जाएगा ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको मेरी वीडियोस और ज़्यादा पसंद आएगी। तो गाइस मिलते हैं आपको कुछ ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।